हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हम आ चुके हैं एकदम जंगलों के बीच में, सुनसान जगह है। देख सकते हैं आप, यहाँ एक छोटा सा मंदिर है वो मैं आपको दिखाऊंगा। पहले मैं आपको आजू बाजू का नज़रिया दिखा देता हूँ। देखिए, एकदम पहाड़ से आसमान की ऊंचाई एकदम पास में नज़र आ रही है। और ये है मध्य प्रदेश में स्थित यह जंगल, जहाँ एकदम घूमने लायक जगह है, आप देख सकते हैं। और आगे वीडियो में बने रहे मेरे साथ, और मेरी इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपके एक सब्सक्राइब से मैं और भी वीडियो ला सकूं। और आपको मैं ऐसे ही जंगल और आसमान, झरने, वाटरफॉल सभी की वीडियो आएगी इस चैनल पे अब कंटिन्यू। दोस्तों, मैं रोज़ ऐसी ही जगह पे आता हूँ, देख सकते हैं आप। इस वीडियो में थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है, यहाँ तक के पायरिया हैं, इसके आगे पायरिया नहीं है। यहाँ पे अभी हम ऊपर जाके भी दिखाएंगे किस तरह से मंदिर है, ऊपर किस चीज़ का मंदिर है, किस देवी का मंदिर है, आपको दिखाएंगे। और हो सके तो आप एक बार यहाँ पे आके घूम कर यहाँ का आनंद लीजिए, बहुत अच्छी जगह है ये। ये मध्य प्रदेश के बालाघाट ज़िले में स्थित है ये जगह, बुदबुदा से कुछ ही दूर, 1 किलोमीटर हाईवे से 1 किलोमीटर दूरी पे है। देख सकते हैं नीचे रोड है, अच्छा रूट है, बस यहाँ का इसीलिए विकास नहीं हो पाया कि यहाँ कोई नेता ध्यान नहीं देता। देख लीजिए, आम लोग बनाते जा रहे हैं, आधी दूर तक सीढ़ियाँ बनी है, उसके बाद में सीढ़ियाँ नहीं हैं। अगली वीडियो में रमरमा जाने वाला हूँ, रमरमा वाटरफॉल आपने सुना ही होगा, जिसने सुना है कमेंट में बता दीजिएगा। ये देख सकते हैं कितनी ऊंचाइयों पर है, एकदम पहाड़ी एरिया है, ना आजू बाजू गाँव है ना कुछ, बहुत मस्त एरिया है ये। और जैसे नीचे आते हैं, एक हेडपम्प है, उसके बाद में एक तालाब है, आपको मैं वो तालाब भी दिखाऊंगा अभी। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है यहाँ का। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।